डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हमारा सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि हमने बॉक्साइट जो ओर था हमारा, उससे हमने एल्यूमिनियम को क्या गेन किया था, एलुमिना गेन किया था। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारे पास मेटल है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किया, इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव किया बाय द लीचिंग मैथड। अभी हमने एल्यूमिनियम का लीचिंग मैथड पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट जो हमारा लीचिंग मेथड है वो यूज़ करेंगे सिल्वर एंड कोल्ड के लिए। तो सबसे पहले सिल्वर का जो हमारे पास ओर है, दैट इज़ सिल्वर ग्लैंड्स एंड होन सिल्वर। सिल्वर जो ग्लैंड्स है, सिल्वर ग्लैंड्स Ag2S सल्फाइड होता है इसमें, और होन सिल्वर है उसमें क्लोराइड होता है AgCl आर लीस्ट। तो हम इसको भी, इसके लिए भी लीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं AgCl, होन सिल्वर का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर AgCl को हम ट्रीट करवाएंगे, लीच करवाएंगे सोडियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन से। तो हमारे पास NaAgCN2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारे पास जो हमें मिला है वो है सोडियम साइनाइड अर्जेंटीना, सोडियम अर्जेंटीना साइनाइड। तो अर्जेंटीना मतलब होता है सिल्वर, तो एन और NaCl सेपरेट हो जाएगा। अर्जेंटाइट और इज लीज्ड विद द NaCN एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर का प्रेशर लगाया जाता है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास जो सिल्वर ग्लैंड्स हैं Ag2S है, उसको भी हम ट्रीट करवाएंगे NaCN के साथ और ऑक्सीजन के प्रेशर के साथ। तो हमारे पास सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट मिलेगा NaAgCN होल ट्वाइस। तो हमारे पास सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट कॉम्प्लेक्स बना है, ये इस तरीके का जो ब्रैकेट में जो फॉर्मूलाज आते हैं ना, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये हमारा एक नया, ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Na2SO4 इसमें हमें सेपरेट मिलेगा। इन द अबो कॉम्प्लेक्स जो जिंक मेटल इज मिक्सड एंड Ag मेटल इज ऑब्टेन बाय द डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारे पास सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट जो हमें मिला है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक इज़ अ रिएक्टिव मेटल, इट विल डिस्प्लेस द Ag। ये क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से Ag को डिस्प्लेस कर देगी, तो Ag हमें सेपरेट मिल जाएगा और हमारे पास Zn का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए Ag का प्रीसिपिटेट मिला हुआ है यहाँ पर, ये जो एरो लगा हुआ है इस तरीके का, इसका मतलब होता है प्रीसिपिटेट, कि Ag जो है वो सेटल डाउन हो गया है नीचे बॉटम में। तो ये हमारे पास Ag का प्रिसिपिटेट मिल गया। उसके बाद Ag जो है वो साइनाइड आयन प्लस H2O और O2, तो यहाँ पर AgCN का भी एक आयन बनेगा जो कि कॉम्प्लेक्स आयन होगा OH-। ये स्टेबल नहीं है, ये जो आयन्स बन रहे हैं ये आयन स्टेबल नहीं होते, आयन क्या करेंगे, वापस रिएक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर वापस जो आयन्स बने हैं वो वापस आप एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, जो सिल्वर है उसका प्रिसिपिटेट मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन इज नॉन एज द सीमेंटेशन। सीमेंट जो होता है जम जाता है ना, इसलिए इसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे कि जो लीचिंग करते हैं हम किसकी, होन सिल्वर की या फिर जो सिल्वर ग्लैंड्स है उसकी, तो हमें Ag का प्रिसिपिटेट मिलता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीमेंटेशन बोलते हैं। सिमिलरली रिएक्शन फॉर द लीचिंग ऑफ गोल्ड और गोल्ड सिल्वर की हमने पढ़ लिया, गोल्ड की भी कुछ इसी तरीके से रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पर देखिए Au जो है, Au इज़ अ सिंबल ऑफ गोल्ड, तो उसको भी हम सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करवाएंगे, देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो Zn है वो रिएक्टिव होता है, इट विल डिस्प्लेस द Au एंड हमें लास्ट में Au का प्रिसिपिटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ Ag एंड Au मैटर्स, फर्स्टली ऑक्सीडेशन ऑफ मैटर्स अकर्स। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ मैटर्स अकर, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास आता है दैट दे आर रिप्लेस, उसके बाद वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन कैसे, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है हमारे पास, और उसके बाद उसका क्या होगा, जो Zn है उसके साथ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो कि दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन,
जार्डन. द होल प्रोसेस कॉम्प्लीट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. दिस इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिस मैथड इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोमेटलर्जी. इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है, स्टॉप ऑन लगा रखा है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. बिकॉज इन दिस मैथड मेटल इज प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन. यहाँ पर मेटल जो है, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो, वो प्रिसिपिटेट हो रही है, जिसको कि हम सीमेंटेशन भी बोलते हैं. नॉन इज द कहाँ गया, मेटल इन द प्रिसिपिटेशन फॉर्म द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स. दिस इज ऑल्सो नॉन इज द साइनाइड प्रोसेस. इसमें साइनाइड बन रहा है, आपको पता है, ठीक है. साइनाइड से हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसको साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं. बिकॉज इन द इनिशियल स्टेप एक फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर साइनाइड से रिएक्शन करने पर जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास, इसलिए अगर हम इस मेथड को, अगर किसका, सिल्वर का और एयू का लीचिंग मेथड है, उसको हम साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है. और इसी प्रोसेस में क्या होता है, सीमेंटेशन भी होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर और एयू है उसका प्रिसिपिटेशन बनता है. तो ये हमारे पास हो गया. यहाँ पर हमने लीचिंग मेथड पढ़ा किस किस का, एल्यूमिनियम का मतलब बॉक्साइट का, उसके बाद हमने पढ़ा है सिल्वर का और गोल्ड का. सिल्वर का जो हमारे पास ओर था, दैट इज़ द सिल्वर ग्लास एंड हॉर्न सिल्वर, ठीक है. और हमारे पास नेक्स्ट जो था वो एक्सट्रैक्शन ऑफ, अब हमारे पास मेन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो मेटल है उसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर जो मेन मेटल है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है. अब हम, अभी ये भी प्योर नहीं हुई है, अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत सारी, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. अब मान लीजिए कि पहले 60% इम्प्योरिटीज़ थी, तो अब वो 30% रह गई है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, वापस उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ओर का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमसे बन चुका है. अब हम उसमें से भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगी वो भी अभी प्योर नहीं होगी, इसलिए उसको बोला गया है क्रूड मेटल. कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हम क्रूड मेटल को सेपरेट करेंगे. द मैथड बाय विच क्रूड मेटल इज ऑप्टेन इन द फ्री स्टेट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज नॉन एज द एक्सट्रैक्शन. क्रूड मेटल का यूज़, क्रूड मेटल को सेपरेट करना कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन. दिस प्रोसेस कंप्लीट इन द फोर स्टेप्स. नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड. सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है हमें, उसको हम मेटेलिक ऑक्साइड में चेंज करेंगे. देन रिडक्शन, अब ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड बन गया, तो अब उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो किसकी है, ऑक्साइड की है, तो हम ऑक्साइड को रिमूव करेंगे. देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज द रिडक्शन. तो नेक्स्ट प्रोसेस विल बी द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू द इम्प्योर मेटल. Then conversion of concentrated ore into the metal oxide. अब हम वापस इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, देन रिडक्शन को, ठीक है. तो इसके बारे में इलाबोरेटेड फॉर्म में हम पढ़ेंगे. तो हमारे पास दो मेथड आएंगे यहाँ पर, एक तो कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग. दो मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, कि जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर था, इट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू द ऑक्साइड. दैन वी हैव टू फॉलो टू मैथड. नंबर वन इज़ रोस्टिंग एंड नंबर वन इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. तो कैल्सिनेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. इसमें भी होगा क्या कि हम यहाँ पर किसी भी जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको गर्म करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इम्पॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है उसमें आप डिफरेंस बताइए, ठीक है. तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये एक, इसमें हम जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हम हीटअप कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एयर की एब्सेंस में हम इसको गर्म करते हैं. तो इससे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन.
अब इसमें जो गर्म करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो क्या होती है, भट्टी होती है, जिसको कि फर्नेस बोलते हैं। ठीक है, भट्टी को गर्म करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम फर्नेस को यूज़ करेंगे। और इज़ हीटेड अप दैट एक्सटेंट वेयर इट डज़ नॉट मेल्ट, मतलब हमें जो टेम्परेचर है वो इस बिलो मेल्टिंग पॉइंट रखना है, अदरवाइज इट विल मेल्ट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स ऑल आर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट H2O आर रिमूव्ड। अब जब इसको गर्म किया जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है एंड वाटर की हो सकती है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो एंड द पोरस मेटल ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड बाई विच फर्दर प्रोसेस आर सिंप्लीफाइड, सम रिएक्शन ऑफ कैल्सिनेशन आर एस फोलोज। तो यहाँ पर देखिए जो फेरिक ऑक्साइड है उसमें अब H2O है, उसकी इम्प्योरिटीज़ है, कैल्सिनेशन गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Al2O3 और प्लस H2OO के। यहाँ पर बॉक्साइट जो है उसका कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Al2O3। अच्छा ऊपर जो है वो रोंग दिया गया है, F2O3 होगा, जो लिमोनाइट है उसको गर्म करेंगे तो F2O3 आएगा, ना कि Al2O3। ठीक है, नीचे जो बॉक्साइट है उसको गर्म करने पर H2O निकल जाएगा और Al2O3 मिलेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज कर लें ये वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन टेक केयर।